नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हुआ हूं दैनिक पंचांग का कार्यक्रम लेकर के। दैनिक पंचांग 29 मार्च सन 2022, आज की तिथि वार नक्षत्र योग करण की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और राहु काल का अशुभ समय आज आपको बताने वाले है। अभिजित मुहूर्त और भुलिक काल का शुभ समय भी बताएंगे और आज कौन सी दिशा में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए, आज का दिशा शूल क्या है और यदि विशेष स्थिति में उस दिशा की ओर यात्रा करनी पड़े तो उसका क्या उपाय होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं दैनिक पंचांग 29 मार्च सन 2022। चैत्र माह वसंत ऋतु कृष्ण पक्ष और द्वादशी तिथि के साथ आज सूर्य उदय होंगे। द्वादशी तिथि दोपहर 2:38 तक रहेगी, उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि होगी। आज का वार मंगलवार है। आज धनिष्ठा नक्षत्र 11:28 मध्याह्न काल तक रहेगा, उसके बाद सत्विशा नक्षत्र होगा। वहीं आज का योग साध्य योग है जो कि सायंकाल 3:12 तक रहेगा, उसके पश्चात शुभ योग होगा। बात करें आज के करण की तो आज तैतिल करण दोपहर 2:47 तक रहेगा, उसके बाद घर करण होगा। राहु काल का अशुभ समय आज 3:30 से प्रारंभ होगा, सायंकाल 4:02 तक रहेगा। बात करें आज के अभिजीत के शुभ मुहूर्त की तो अभिजीत का शुभ मुहूर्त 12:01 से प्रारंभ होगा मध्याह्न काल और 12:50 मध्याह्न काल तक रहेगा। गुलिक काल का समय आज 12:26 मध्याह्न काल से प्रारंभ होगा और दोपहर 1:58 तक रहेगा। राहु काल में किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को करने से बचना चाहिए, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत राहु काल में न करें। अभिजित मुहूर्त और गुलिक काल में समस्त शुभ कार्य किए जाते हैं। अभिजित मुहूर्त में धर्म कर्म पूजा पाठ दान पुण्य के कार्यों को श्रेष्ठ माना जाता है। गुलिक काल में दैनिक दिनचर्या से संबंधित यात्रा व्यवसाय नौकरी के कार्य किए जाते हैं। आज का जो दिशा शूल है वह उत्तर दिशा है। आज उत्तर दिशा में आज विशेष रूप से जाने से बचेगा। यदि प्रतिदिन उत्तर दिशा की ओर यात्रा करते हैं, नौकरी व व्यवसाय से संबंधित उत्तर दिशा की ओर आपको जाना पड़ता है तो आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि किसी विशेष प्रयोजन से आप उत्तर दिशा की यात्रा कर रहे हैं तो घर से गुड़ का सेवन करके आप उत्तर दिशा की ओर जाइएगा और घर से निकलते समय देखें जिस भी नासिका छिद्र से श्वास अच्छी तरह चल रहा हो, गतिमान स्थिति में हो, घर से निकलते समय उसी पैर का पहला कदम आप आगे रखिएगा, निश्चित ही आपकी यात्रा मंगलमय होगी। आज भौम प्रदोष का व्रत किया जाएगा। भौम प्रदोष यानी आज भगवान शिव का आप सायंकाल को पूजन अवश्य करिएगा, इससे मंगल देव भी प्रसन्न होंगे और भगवान भोलेनाथ भी अवश्य प्रसन्न होंगे। तो अच्छे सुख समृद्धि के लिए, घर में धन संपदा के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य प्राप्त करिएगा और आज सायंकाल भगवान भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करिएगा। आज वारुणी योग भी है। वारुणी योग ग्रहण के तुल्य माना जाता है। वारुणी योग में तीर्थ स्थल में दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो यदि संभव हो तो इस योग में अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य अवश्य करें और तीर्थाटन अवश्य करें, तीर्थों में स्नान इत्यादि विशेष रूप से करें। जिन दर्शकों का आज जन्मदिन है, आप सभी दर्शकों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर आपको यश आयु कीर्ति प्रदान करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। जन्मदिन पर पूजन अवश्य करिएगा। जन्मदिन पर किया गया पूजन व क्रूर ग्रह का दान 1 वर्ष तक लाभ देने का कार्य करता है, इसलिए जन्मदिन पर पूजन अवश्य करना चाहिए। जिन दर्शकों की विवाह वर्षगांठ है, उन सभी दर्शकों को विवाह वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अखंड सौभाग्य के लिए वह सौभाग्य शुभ प्राप्ति के लिए मां पार्वती व भगवान महादेव का पूजन आज आपको अवश्य करना चाहिए। आप सभी का दिन शुभ हो, जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ज्योतिष से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए वो समस्त पूजा पाठ के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रों में श्री सत्चंडी महायज्ञ में यदि आप भाग लेने जा रहे हैं तो आप 31 मार्च तक ही इसमें नामांकन कर सकते हैं। जो नामांकन की तिथि होगी, अंतिम तिथि 31 मार्च रात्रि 8 बजे तक की होगी।
उसके पश्चात आप नामांकन नहीं कर सकते हैं। तो इस महायज्ञ में आप सभी दर्शकों का व समस्त मातृ भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अवश्य जुड़िएगा, धर्म कर्म के मार्ग में प्रशस्त होकर के बढ़ चढ़ करके इस यज्ञ में भाग अवश्य लीजिएगा।